हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीम डी आर्मी में। मैं हूं डियागो। तो गाइस, एक और वर्सेस लेकर आप सबके सामने दोबारा से रूबरू हो चुके हैं। और आज टीम डी से बढ़ने के लिए एक अंडरडॉग टीम आई है जिसका नाम होने वाला है वुल्वरीन। और वुल्वरीन की लाइनअप की बात कर लें, ब्लेज, बिन लादेन, लेजर और फेजी होने वाले। जबकि टीम डी की लाइनअप की अगर बात करें तो शान, एसगॉड, नोब और बीस्ट होने वाला है। पहला राउंड यहां पर आज का कटोल स्टे ऑन है। और आपको बता दे गाइस, प्रैक्टिस के लिए यहां पर जरूर ऑफ रहने वाली है। नो नेड, नोएड वगैरह का तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो 13 राउंड का ये मुकाबला होने वाला है। जो 7 राउंड पहले निकाल के लेके जाएगा वो यहां पर अपनी टीम को विजयश्री का ताज दिला के लेके जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर बात करें, मुकाबला चलता हुआ, एसगॉड को डाउन ले लेगा। बीस्ट उनके पास होने वाले, क्या कमाल करने वाले, बिन लादेन की तरफ से लादेन बनकर आए और पहला किल कंफर्म कर दिया। इस राउंड का बीस्ट को भी डाउन ले लिया गया। नूब आगे बढ़ते हुए, नूब क्या अपने प्लेयर्स को बचा पाएंगे। लेकिन शान की तरफ से पहला टीम डी के खाते में पहला ब्लड जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और शान भाई, शान शौकत से खेलते हुए नजर आएंगे। और नूब, नाम नूब है लेकिन खेलते काफी अच्छा है। और फैजी की तरफ से भी अपना खाता जरूर खोला जाएगा। यहां पर 2v3 का मुकाबला बन चुका है। नूब और शान बच चुके हैं। फैजी, ब्लेज और बिन लादेन होने वाले हैं। और काफी अच्छा खासा डैमेज जरूर दिया है फैजी ने। लेकिन 2v2 का मुकाबला, एक प्लेयर को डाउन ले लिया गया। फैजी को अच्छा खासा डैमेज मिल चुका है। और अब बेड़ा मच चुके हैं। पहला राउंड किसके खाते में जाएगा, इसके लिए लड़ाई यहां पर जरूर मचती हुई। शान कलवाल तोड़ी जा रही है शान की तरफ से। ब्लेज उनके पास होने वाले हैं लेकिन छुप के यहां पर खुद को शायद हील करना चाहेंगे। नूब उनके हेल्प के लिए जरूर जाना चाहेंगे। लेकिन 2v2 का मुकाबला, पहला राउंड था और पहले राउंड में डाउन ले लिया गया है नूब को। शान अकेले बच चुके हैं 1v2 की फाइट में। और 1v2 की फाइट में कब तक चल पाएंगे ये देखना चाहूंगा। और दूसरी तरफ से सारे ही प्लेयर्स के खाते खुल चुके हैं यहां पर। लेकिन अगर बात करें तो लेजर का अभी तक खाता नहीं खुला। एक प्लेयर ऊपर की तरफ आया था और ब्लेज की तरफ से पहला यहां पर राउंड अपनी टीम के खाते में जोड़ते हुए और पुख्ता करते हुए पहला राउंड और लीड बनाते हुए 1 पॉइंट की। दूसरा राउंड आज का गाइस। और दूसरे राउंड में मार्स इलेक्ट्रिक्स में हम पहुंच चुके हैं। और टीम डी के सारे ही प्लेयर एक साथ मिलकर खेलते हुए नजर आएंगे। एक प्लेयर सामने की तरफ जरूर गया था लेकिन अच्छा खासा डैमेज जरूर खाया है ब्लेज की तरफ से। और ब्लेज काफी कुकार प्ले, वुल्वरीन की दहाड़ यहां पर होने वाली है या फिर टीम डी कुछ करने वाली है। कौन करने वाला है टीम डी की तरफ से पहला बार, ये देखने को हम बेकरार। लेकिन फिलहाल तो डाउन होते जा रहे हैं, 3 प्लेयर डाउन हो चुके हैं। एक प्लेयर जरूर यहां पर फेजी को जरूर डाउन ले लिया गया। और किल भी शायद कंफर्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात, यहां पर किल कंफर्म कर दिया जाएगा। और रिवाइवल शान को संभव है या नहीं? जी गाइस, बिल्कुल रिवाइवल संभव है। प्लेयर अंदर की तरफ आ गए और अच्छा खासा डैमेज देते हुए ब्लेज की तरफ से सुपर राउंड की दरकार जो थी वो आ चुकी है भाई। सुपर राउंड, ट्रिपल किल कर चुके हैं ब्लेज। 2 राउंड में 5 किल कर चुके हैं। और ये बंदा इतिहास रचने वाला है। 2-0 से लीड में लेके गए अपनी टीम को। टीम डी संघर्ष करते हुए फिलहाल भी अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाई है। तीसरा राउंड आ चुका गाइस। और तीसरा राउंड मील पे बनता हुआ, क्या ये मील का राउंड टीम डी अपना खाता खोल पाएगी, जरूर देखना चाहूंगा। एसगॉड थोड़ा सा ब्लेज को डैमेज देने की कोशिश, लेकिन 4v4 का मुकाबला 2 राउंड में 5 किल करके बंदे ने बता दिया कि कम आंकना शायद टीम डी के लिए मुसीबत का कारण हो सकता है। लेकिन एक प्लेयर को जरूर यहां पर, लेकिन नूब स्पोर्ट के लिए आए, प्लेयर को जरूर डाउन किया था। और बीस्ट को शायद यहां पर रिवाइवल संभव हो जाएगा। 3v4 का मुकाबला बन सकता है यहां पर। 2v3 का मुकाबला फिलहाल यहां पर बनता हुआ। और अब टीम डी के पास मौका है कि अपने यहां पर खाते खोले जाए और दोबारा से टीम को वापसी दिला जाए। लेकिन क्या यहां पर मुमकिन होगा? जब तक ब्लेज और लेजर होने वाले हैं, ब्लेज बेहतरीन प्लेयर जैसा कि मैंने बोला, लेकिन शायद यहां पर ब्लेज को डाउन ले लिया गया। बिल्कुल एसगॉड की तरफ से ब्लेज को डाउन ले लिया गया। और 1v3 का मुकाबला बन चुका है। लेजर अकेले बच चुके हैं और टीम डी के पास एक मौका वापसी करने का। और क्या ही बेहतरीन यहां पर शॉटों का नजारा मिलेगा और एक्साइटमेंट का फुल जोश शो से दोनों ही टीमें खेलती हुई। लेकिन जोश के साथ होश भी जरूरी होना चाहिए। लेजर अकेले बन चुके हैं 1v3 के मुकाबले में। एक प्लेयर को जरूर डाउन किया था लेकिन टीम डी अपना खाता खोल चुके हैं। 1-2 से वापसी कर चुके हैं। देर राय दरुस्ता है, 1 पॉइंट यहां पर जरूर लीड में है। चौथा राउंड आ चुका गाइस। और केप टाउन में हम पहुंच चुके हैं। और दोनों ही टीमें के लिए राहत की सांसें ये होने वाली है कि दोनों ही टीमों के प्लेयर्स चल रहे हैं, जो सबसे बड़ी बात होने वाली है। शान ऊपर की तरफ गए थे 2 प्लेयर सामने, लेकिन चालाक से ग्लोवाल लगाए और बच गए शायद यहां पर, लेके डाउन लिए जाते। लेकिन शान खुद को हील करेंगे, ऊपर की तरफ होने वाले हैं। एक प्लेयर जरूर डाउन हो चुका। दूसरी तरफ से 3v4 का मुकाबला बनता हुआ। बीस्ट की तरफ से पहला बल आता हुआ अपना खाना बोलते हुए बीस्ट, 3v4 का मुकाबला हो चुका है। और नूब ऊपर की तरफ होने वाले हैं और शायद वुड पी करके सूट लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एशगॉड उनके पास जाएंगे और डाउन क्या लिया जाएगा यहां पर?
मेरे को अभी तक यहाँ पर कंफर्म नहीं हुआ डाउन लिया गया या नहीं लिया गया है। शायद यहाँ पर डाउन जरूर ले लिया गया है, लेकिन यहाँ पर शान और एशकोर भी डाउन हो चुके हैं। 2v2 का मुकाबला बन चुका है और नूब रिवाइवल संभव करवाने जा रहे थे और रिवाइवल शायद संभव हो जाएगा। लाल नंबर के शॉट फेसली जरूर आए थे हेल्प करने के लिए, लेकिन लाल नंबर के शॉट नहीं झेल पाए। 2v4 का मुकाबला हो चुका है, टीम डी के सारे ही प्लेयर खड़े हो चुके और जीत की यहाँ पर गूंज आ चुकी है। शान ऊपर की तरफ जाएंगे और डाउन ले जाने की कोशिश की जाएगी, शायद एक प्लेयर को जरूर यहाँ पर डाउन ले लिया जाएगा और 1v4 का मुकाबला अकेले फैजी बस्ती में। फैजी क्या कमाल कर पाएंगे, लाल नंबर जरूर लगाए थे लेकिन शान की तरफ से यहाँ पर बलेज का जवाबी जो हमला था उसको रोका गया और अपना हमला किया गया और वापसी की गई। अब दोनों ही टीमें 50-50 हो चुकी हैं। पांचवा राउंड आ चुका गाइस और टीम डी के सारे ही प्लेयर चाल से चाल मिलाकर कदम से कदम मिलाकर एक दूसरे के साथ चलते हुए बिन लादेन और लेजर को डाउन ले लिया गया है और बलेज और फेजी अकेले बचते हुए और अपनी टीम से थोड़ा सा पिछड़ कर खेले थे, लेकिन उसी बीच यहाँ पर डाउन ले लिया गया। सारी टीम का खात्मा कर दिया जा चुका है, पत्तों की तरह बिखेर के रख दिया जा चुका है और वापसी कर टीम डी के सारे प्लेयर्स चलते हुए 5-4-3-2 की सीरीज बनाकर यहां पर किल किए जा चुके हैं टीम डी की तरफ से और 3-2 की लीड साफ साफ स्क्रीन बोर्ड पर इस तस्वीर में हमें दिखती हुई है और एक पॉइंट का मार्जिन रह चुका है दोनों के बीच और इस मैच में पहली बार टीम डी लीड में आती हुई। छठा राउंड आ चुका गाइस और छठे राउंड में शिपयार्ड में पहुंच चुके हैं और टीम डी जीत की यहां पर गूंज भर चुके हैं। गूंज मेरे को भी यहां तक सुनाई दे रही है क्योंकि लगातार दो राउंड से पीछे चले थे और जिस तरीके से वापसी की है वो काबिल तारीफ और उसका श्रेय इस बंदे में जाता है, शान अकेला ऐसा प्लेयर। लेकिन स्पोर्ट काफी अच्छा यहां पर आया था और फैजी की तरफ से ओम चलाते हुए हमें जरूर दिखाई देगा। टीम डी बना वुल्वरीन एक प्लेयर जरूर डाउन हो चुका है और एक प्लेयर शान की तरफ से डाउन किया गया था और उसका किल भी कंफर्म कर दिया जा चुका है। शान के खाते में किल जुड़ता हुआ लेकिन नूब को भी डाउन ले लिया गया, एक बड़ी मछली को शिकार बनाया है। नूब बेहतरीन प्लेयर जरूर थे लेकिन यहां पर लाल लबा 20 पास गए हैं, लाल लबा दिखाया और उनको पता है कि फैजी उनके पास होने वाले हैं, जिनके पास होने वाली है ओम अगर एक शॉट पड़ता है तो उनको डाउन होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फिलहाल अपना किल कंफर्म करने के लिए बीच चंद्र की तरफ आए और शायद यहां पर फैजी भी होने वाले ऊपर की तरफ आए लेकिन M10 के बॉडी शॉट बेहतरीन लगाएंगे और डबल किल बीच के खाते में जुड़ता हुआ 2 पॉइंट की लीड लगातार टीम डी कॉन्क्रीट कर रही है वुल्वरीन को। सातवां राउंड आ चुका है गाइस और क्लॉक टावर की तरफ हवाओं ने अपना रुख बदल लिया और हवाएं कुछ और कह रही है। टीम डी के खाते में राउंड मेरे को जाता हुआ, ये मैच मेरे को जाता हुआ दिख रहा है लेकिन फैजी ऊपर की तरफ गए थे, फैजी चालाकी दिखाना चाहते थे लेकिन चालाकी को नहीं चलने दिया गया और नूब की तरफ से भी अपना पहला यहां पर किल इस राउंड का आता हुआ नजर आएगा। 2v4 का मुकाबला बिन लादेन और ब्लेज बच चुके हैं, दोनों ही काफी बड़े प्लेयर यहां पर लाल नंबर जरूर लगाए थे लेकिन क्या रिवाइवल संभव हो पाएगा। और 1v4 का मुकाबला नूब आ चुके हैं और नूब कहेंगे कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए और थोड़ा सा भाई लोबी की तरफ चलिए, अगले राउंड का यहां पर वेट कीजिए और 3 राउंड की लीड बना चुके हैं यहां पर नूब। क्या ही बेहतरीन गेम प्ले कर रहे हैं टीम डी के सारे प्लेयर। आठवां राउंड आ चुका गाइस और आठवां राउंड यहां पर ऑब्जर्वेटरी में गया है और ऊपर की तरफ से ऊपर अगर बात करें तो हाइट पर फेजी पहुंच चुके हैं और बिन लादेन पहुंच चुके हैं इस उम्मीद के साथ कि काश ये राउंड ये निकाल सके, लेकिन क्या यहां पर टीम डी ये मुमकिन होने देगी, ये एक बड़ा सवाल जरूर होने वाला है। और बात करें लेजर का अभी तक खाता नहीं खुला है जो कि मुसीबतों का कारण हो सकता है इस टीम के लिए, वुल्वरीन्स के लिए मुसीबतों का कारण जरूर हो सकता है। लेकिन बात करें एशकोट यहां पर बेहतरीन यहां पर ग्लोवाल तोड़ते हुए उनके साथ बीस होने वाले। शायन राइट की तरफ एक बंदे को देखा, लाल नंबर शान की तरफ से। अगर मैं शान की गाइस अगर बात करता हूं तो जिस तरीके से खेलते हैं मूवमेंट इतनी अच्छी नहीं दिखाते लेकिन क्या ही शॉट लगाते हैं और पूरी समझदारी के साथ यहां पर खेलते हैं। नूब दूर से सपोर्ट देने की कोशिश जरूर करेंगे, एशकोट अंदर की तरफ जाते हुए लेकिन वापसी शायद यहां पर आ जाएंगे क्योंकि अच्छा खासा डैमेज अंदर की तरफ जरूर घुसे थे लेकिन डैमेज काफी बेहतरीन का है इन्होंने तो वापस आ चुके हैं। लेकिन शान लगातार यहां पर फायरिंग करते हुए ग्लोवाल तोड़ी जा रही है, मुकाबला बेहतरीन होता हुआ एक्साइटमेंट पूरा यहां पर भरपूर होने वाला है। 3v4 का मुकाबला हो चुका है, बीस्ट खत्म हो चुके हैं और दूसरी तरफ वुल्वरीन्स के पास एक मौका है, सारे प्लेयर उनके जीवित होने वाले हैं और मैन एडवांटेज वुल्वरीन के पास डेफिनेटली होने वाली है लेकिन क्या कमाल होने वाला है ये जरूर देखना चाहूंगा। कमाल किसकी तरफ से देखने को मिलेगा, कमाल धमाल बाहर की तरफ सारे प्लेयर आ चुके हैं और ग्लोवाल यहां पर लेकिन बिन लादेन को डाउन ले गया और 1v3 का मुकाबला हो चुका था लेकिन दोबारा से रिवाइवल शायद यहां पर संभव हो जाएगा और
1v4 का मुकाबला दोबारा से, लेकिन शान डाउन हो चुका है। 2v4 का मुकाबला हो चुका है। एच गोड यहाँ पर अपनी ही गुलवाले में शायद मेरे को फंसते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बाहर की तरफ से भाई गुलवाले लगाएगी, पैक किया गया बंदो भाई, क्या चल रहा है। और इसी बीच यहाँ पर सारे प्लेयर एलिमिनेट हो जाएंगे, टीम जी गए, लेकिन इसी के साथ वुल्वरीन वापसी करती हुई बेहतरीन गेम प्ले यहाँ पर दिखाती हुई पैक करके वुल्वरीन। लेकिन अगर बात करें तो अभी भी 2 पॉइंट के मार्जिन की लीड के साथ टीम डी अभी भी भाई ऊंचे पायदान पर बैठी हुई है। और फिलहाल अगर बात करें गाइस तो स्कोर बोर्ड तस्वीर पर नजर आता हुआ 5-3 से टीम डी लीड में। नोवा राउंड आ चुका है गाइस, और नोवे राउंड में हम पहुंच चुके हैं सेंटोसा में। और पिछला राउंड कुछ ज्यादा ही हमारा कमाल निकला और काफी घेर कर मारा गया यहाँ पर टीम डी के बंदों को। लेकिन अगर बात करें एक प्लेयर जरूर ऊपर जा चुका है और ये राउंड सेंटोसा में बना, और काफी छोटा राउंड होता है तो जल्दी शरिंग हो जाएगा, तो जल्दी यहाँ पर प्लेयर्स को कुछ करना पड़ेगा। शान राइट की तरफ से जरूर अपनी टीम को सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे और एक प्लेयर को जरूर डाउन लिया जा चुका है। और क्या यहाँ पर एक प्लेयर जो डाउन हो चुका है उनका रिवाइवल यहाँ पर संभव होगा, और काफी अच्छा खासा डैमेज बीच की तरफ से, लेकिन इतनी तेजी से ऊपर चढ़े हैं और एक प्लेयर भी यहाँ पर डाउन जरूर था, उसको किल कंफर्म किया जाएगा। लेकिन पीछे की तरफ ध्यान नहीं दिया, जहां से भाई ध्यान हटेगा वहां दुर्घटना तो जरूर घटेगी। और यहाँ पर बीस्ट को डाउन जरूर लिया गया था, लेकिन रिवाइवल जी गाइस बिल्कुल संभव हो चुका है रिवाइवल। और एश गॉड बीस्ट के ऊपर चढ़कर देख रहे हैं पूरे ही मैप का जायजा लेते हुए, और नूप थोड़ा सा वेट करेंगे। अंदर की तरफ 2 प्लेयर होने वाले हैं, 3v4 का मुकाबला 2 पॉइंट के लिए टीम डी के पास होने वाली। क्या अंदर जाके रश करने वाले नूप या समझदारी का संकेत देंगे, वेट करेंगे। और फिलहाल अगर बात करें एक प्लेयर जरूर यहाँ पर बाहर की तरफ आके डैमेज देने को, शान प्लेयर शान एक बंदे के पास जाने वाले, शान यहाँ पर एक प्लेयर पीछे की तरफ जरूर होने वाला था, शायद यहाँ पर लेजर होने वाले, और मेरे को लग रहा है बिल्कुल यहाँ पर ब्लेज को काफी अच्छा खासा डैमेज जरूर मिला था, लेकिन लेजर यहाँ पर बिल्कुल होने वाले, शान के पास होने वाले। जोन में जाके भाई, जोन में जाके कौन मारता भाई, शान शान बेहतरीन यहाँ पर डाउन दे दिया गया अकेले प्लेयर, ब्लेज बच चुके हैं, किल भी कंफर्म हो चुका है शान का। 1v4 का मुकाबला, टीम डी दोबारा से लीड में आने की कोशिश है, और दोबारा से शायद यहाँ पर, लेकिन नूब के खाते में यहाँ पर जरूर किल जाएगा, और चालाकी से इस किल को उठाया नूब ने। फिलहाल अगर बात करें तो 3 पॉइंट के लिए टीम डी के पास, और मैच पॉइंट पर आती हुई टीम डी 6-3 से आगे चल रही है। 10वां राउंड आ चुका गाइस, और 10वें राउंड में पहुंचे लोग में पहुंच गए, और आते ही शान को प्रसाद के रूप में थोड़ा सा डैमेज काफी लॉन्ग रेंज से ही दे दिया गया है। लेकिन फिलहाल शान अभी डाउन नहीं हुआ, खुद को हील करेंगे और दोबारा से इस मैच में बनेंगे। और 3 पॉइंट की लीड से चल रही है टीम डी, और वुल्वरीन पिछड़ रही है, 3 पॉइंट उनके पास नहीं होने वाले। और फिलहाल अगर बात करें तो यहाँ पर घुसकर खेलना चाहते थे, लेकिन घुसकर नहीं खेलने दिया गया। बिल्ला देन पहला अपना किल कंफर्म करते हुए एक प्लेयर को जरूर डाउन लिया गया, एशकोट समझदारी का संकेत देते हुए पीछे बढ़ते हुए, और पीछे हट चुके हैं, और पीछे हटना इनके लिए शायद अब के लिए ठीक होने वाले, क्योंकि वहां पर 2 प्लेयर तो कम से कम होने वाले हैं और शान उनके पास होने वाले हैं। और 3v4 का मुकाबला बनता हुआ आते ही इस राउंड में बीस्ट को डाउन ले लिया गया। बीस्ट 6 किल जरूर की है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में बीस्ट को डाउन जरूर ले लिया जाता है। 2v4 का मुकाबला बनता रहेगा, और नूब को भी डाउन ले लिया गया, और अब मौका है वुल्वरीन्स के पास अपनी दहाड़ लगाने का, वापसी करने का। शान बिल्ला देन के पास होने वाले हैं, क्या शान कोई कमाल करके दिखाने वाले हैं। शान और सोकस से जरूर यहाँ पर रहते हैं शान, लेकिन क्या यहाँ पर कोई कमाल हो पाएगा। फिलहाल एक प्लेयर को डाउन ले लिया गया, और एशकोट की तरफ से पहला ब्लड भी कंफर्म कर दिया गया। 2v3 का मुकाबला हो चुका है, लेकिन वुल्वरीन्स के पास अभी भी मैन एडवांटेज जरूर होने वाले हैं, उसका फायदा उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, या टीम डी अपनी चालाकी दिखाएंगे, चतुराई से इस राउंड को लेके जाएंगे, जरूर देखना होगा। अगर टीम डी राउंड लेके जाती है तो गाइस आपको बता दें कि ये आखिरी राउंड होगा इस मैच का, लेकिन वुल्वरीन्स से राउंड लेके जाती है तो शायद ये मुकाबला आगे बिल्कुल चल जाएगा। लेकिन अगर बात करेगा इस 1v3 का मुकाबला, लाल नंबर जरूर दिखाए, लेकिन जैसे कि मैंने बोला था बिल्कुल यहां पर बिल्ला देन की तरफ से डबल किल आएंगे, मैन एडवांटेज जरूर था वुल्वरीन्स के पास। और वापसी करती हुई वुल्वरीन्स की टीम 4-6 से अब सिर्फ 2 पॉइंट का मार्जिन बचा है दोनों ही टीमों के बीच में, और 6-4 से टीम डी आगे। 11वां राउंड आ चुका गाइस, और 11वें राउंड में हैंगर में हम पहुंच चुके, और टीम डी की पोजीशन 3 प्लेयर एक साथ मिलकर खेल रहे हैं, और एशकोट थोड़ा सा दूर होने वाले हैं। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर ग्लोवाल तोड़ी जा रही है ब्लेज की तरफ से, और शायद वो बीस्ट होने वाले हैं, ऊपर चढ़ने की कोशिश थी लेकिन नीचे आ चुके हैं। इस राउंड में गाइस अगर बात करें तो इस राउंड में अभी तक होल्ड किया जा रहा था, लेकिन अगर बात करें तो एक प्लेयर जरूर डाउन हो चुका है, और शायद यहाँ पर फेजी जा चुके हैं। फेजी का क्या रिवाइवल सब हो पाएगा, एक प्लेयर और सामने की तरफ आया था, लेकिन शान जा चुके हैं, और 2v3 का मुकाबला हो चुका है, शान का किल कर दिया जा चुका है। और दूसरी तरफ से भी बिल्ला देने बड़ी मछली और फैजी दोनों
प्लेयर्स को डाउन किया जा चुका है, 2v3 का मुकाबला हो चुका है। एश गॉड नूब और बीस्ट के पास एक मौका है और एक प्लेयर को डाउन ले लिया जा चुका है, शायद मेरे ख्याल से वो लेजर होने वाले। यहाँ पर अकेले प्लेयर बच चुके हैं, क्या यहाँ पर 1v3 का कलश निकाल के अपनी टीम को वापसी दिला पाई है। एक प्लेयर को जरूर डाउन ले लिया गया है, लेकिन जोन का भी थोड़ा ख्याल रखना होगा, जोन का भी पास होने वाला है। एश गॉड की यहाँ पर थोड़ी सी हेल्थ यहाँ पर रहने वाली है, अगर रश करेंगे तो डाउन ले लिया जाएगा जैसे कि मैंने बोला, लेकिन नूब की पूरी पूरी हेल्थ के साथ यहाँ पर जरूर यहाँ पर किल कंफर्म कर दिया जा चुका है। एश गॉड अभी भी बचे हुए और थोड़ा थोड़ा डैमेज खुद भी खाते हुए और सामने वाले प्लेयर को भी डैमेज देते हैं, लेकिन 1v1 का मुकाबला एक्साइट मैच जरूर। और ब्लेज की तरफ से ट्रिपल किल, अगर ये राउंड निकाल के लेके जाते हैं तो यहाँ पर, लेकिन अब की बार तो भाई राउंड नहीं निकाल पाएंगे, शायद अपने एक ग्रुप वालों में यहाँ पर फंस गए थे और वहीं पर एलिमिनेट हो गए, लेकिन नूब ये राउंड निकाल के लेके गए और 7-4 से टीम डी मुकाबला निकाल के लेके गए। लेकिन ब्लेज ने काफी अच्छा यहाँ पर मुकाबला दिखाया और गाइस बात करें तो 20 एमवीपी रहे, 8 किल के साथ काफी घुसकर मार रहे थे और बेहतरीन गेम प्ले कर रहे थे। सान ने काफी अच्छा खासा यहाँ पर 8 किल के साथ सपोर्ट दिया, एश गॉड 7 किल के साथ और नूब 7 किल के साथ। तो गाइस अगर दूसरी तरफ बात करें तो एमवीपी रहे यहाँ पर वुल्वरिंस की तरफ से, ब्लेज 9 किल निकाले और बिन लादेन 6 किल के साथ सपोर्ट किया, फेजी 4 किल के साथ और लेजर का भाई ये बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि खाता नहीं खुला और शायद ये एक बड़ा कारण था कि काफी पिछड़ गए यहाँ पर। 3 राउंड की लीड से टीम डी जीत गई और 7-4 से विजय रही टीम डी। लेकिन गाइस आपको मुकाबला कैसा लगा जल्दी जल्दी मेरे को कमेंट करके बताओ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, टेक केयर गाइस।